देखो तुरंत अभी अभी देखो मैं एकदम से इनको उठाने की कोशिश करो। खत्म हो चुका है इस गाड़ी का, ये सुजुकी सियाज गाड़ी बताई जा रही है। अभी एम्बुलेंस बोल जा रही है नेशनल हाईवे की। हेलो ये वही नेशनल हाईवे है जो हरिद्वार से खटीमा को जोड़ता है, यानी कि नेशनल हाईवे 734। मैं महेश और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इसमें मैं मौजूद हूँ हल्द्वा चौड़ टोल प्लाजा नेशनल हाईवे NH 734 पर, और यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जो फोर व्हीलर हल्द्वानी साइड से आ रही थी और चंडीगढ़ को जा रही थी, अचानक से उस फोर व्हीलर का टायर वस्ट हो जाता है, यानी ब्लास्ट हो जाता है टायर में, और उसके बाद गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, और गाड़ी जैसे ही डिसबैलेंस होती है तो तुरंत डिवाइडर में जाकर टकरा जाती है, और टकराती इस प्रकार से है, टक्कर इतनी तकड़ी होती है कि गाड़ी की हालत इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी की स्थिति क्या रही है और क्या उस समय का टाइमिंग होगी और क्या स्थिति रही होगी जब ये डिवाइडर से टकराई। आप देख सकते हैं फ्रंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस गाड़ी का, ये सुजुकी सियाज गाड़ी बताई जा रही है। और जानने की कोशिश करते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर भाई साहब से कि आखिर पूरी घटना क्या थी। जी आपका शुभ नाम? अंकित नाम सर। जी ये जो घटना घटी कब की थी? ये कल शाम की है सर। कल शाम की टाइमिंग क्या होगी? टाइम होगा 3:30 या 4 बजे का। 3:30-4 बजे का। देखो तुरंत अभी देखो बिल्कुल एकदम से इनको उठाने की कोशिश करो। इनको उठाने की कोशिश करो अभी तुरंत एकदम से ऐसा हुआ। अरे जी 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 इनके अभी हाथों चोट लगी है। ओए 10:30 पे कॉल करना कोई, 10:30 पे भाई 10:30 पे ला। अरे दीपक को छोड़ दो, 10:30 कॉल कर। अभी तुरंत देख सकते हैं आप कितना तगड़ा घटना हुई यहाँ पर, देख सकते हैं आप ये एकदम से बहुत जल्दी, ये अचानक से एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, अचानक से एक्सीडेंट हुआ है। अभी कॉल जा रहा, अभी एम्बुलेंस को कॉल जा रही है नेशनल हाईवे की। हेलो हेलो, अरे कॉल ही कट गई। 108 लगाओ। एम्बुलेंस आ रही है, कर दी आपने? कर दी। देख सकते हैं आप अभी बिल्कुल एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है आपने देखा तुरंत, और यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली गई है, बहुत जल्द एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। आप साफ साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, साइड में ले गए उनको। जैसे ही आपको अभी मैं दिखा रहा था गाड़ी की हालत दिखा रहा था, उसी बीच में एकदम अचानक से यहाँ पर बाइक की टक्कर हुई, पता नहीं क्या हुआ, दो बाइक से आपस में टकराए और यहाँ पर ये गिरे। टकराए कैसे पता नहीं चला एकदम से, लेकिन उनकी हालत थोड़ी सी सही है। इधर थोड़ी ज़्यादा चोट लगी शायद इनको। कैमरा मैन से कहना चाहूँगा सामने आए, देख सकते हैं आप इन भाई की भी थोड़ी चोट लगी है। एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी। बाइक कौन कौन सी देखते हैं, बाइक नंबर कौन सी है, कैमरा मैन से कहूँगा इधर आ जाए। कैमरा मैन से कहना चाहूँगा इधर आए और गाड़ी का नंबर दिखाए।
अभी जानने की कोशिश करते हैं पूरी स्थिति क्या हुई है और क्या घटना थी और कब की घटना है ये। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकित है। जी अंकित भाई, ये स्थिति क्या हुई है और क्या घटना थी, किस प्रकार से घटी थी? ये सर, मैं हल्द्वानी से आ रहा था तो अचानक टायर फट गया कनेक्टर साइड का, उससे इसका बैलेंस बिगड़ गया और डिवाइडर में लग गई है। डिवाइडर में लग गई। और आप कितने व्यक्ति थे सर? हम दो ही थे। दो व्यक्ति थे। और कहाँ जाना था आपको? मेरे को चंडीगढ़ जाना था। चंडीगढ़ जाना था। कब की घटना है वैसे ये? ये कल शाम 4:30-5 बजे की, यानी शाम के टाइम की। हाँ जी। और बाकी कोई चोट उठ तो नहीं लगी किसी के? देखो नहीं, एयरबैग खुल गए थे गाड़ी के और उससे हमारा बचाव हो गया और गाड़ी भी समथिंग यही 60 या 65 की स्पीड पर चल रही है। 60-65 की। देखो अंकित भाई ने बताया कि जैसे ही गाड़ी डिवाइडर में लगी तो एयरबैग गाड़ी के खुल चुके थे, तो आपको एयरबैग भी हम दिखाना चाहेंगे। और वो जो टायर है चेंज करने हैं आपने? हाँ, वो टायर चेंज कर दिया, उस स्टेपनी जो फटा हुआ टायर वो पीछे है। अब गाड़ी कहाँ ले जाने की कोशिश है? अब गाड़ी को ले जाएंगे यहाँ रुद्रपुर, देखेंगे रुद्रपुर ठीक कराने के लिए। हाँ जी ठीक। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम देखना चाहेंगे वो टायर जो फटा था और वे सब एयरबैग जो खुल गए थे डिवाइडर में गाड़ी लगने के बाद। कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ये गाड़ी का लोक ओपन कर दीजिए। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एयरबैग सही से दिखाएं। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति रही है गाड़ी के अंदर से भी, क्या स्थिति रही है। इस साइड से दिखाना चाहेंगे। देखना दरवाज़ा ही पूर्ण रूप से खुल नहीं पा रहा है क्योंकि जब ये गाड़ी ठुकी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाज़ा लग रहा है। तो कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सही से आए और अंदर का दृश्य दिखाए कि गाड़ी की क्या स्थिति हो चुकी है। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं वो जो स्टेयरिंग में एयरबैग है वो किस प्रकार से स्टेयरिंग फट चुका है और एयरबैग बाहर निकल चुका है। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि ये जो गाड़ी जब डिवाइडर में टकराई होगी तो क्या मंजर रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी और ड्राइवर पर क्या बीती होगी उस समय पर, क्योंकि अचानक से सब कुछ हो जाना एक बहुत बड़ी घटना होती है और जब ऐसी घटना घटे तो कोई भी व्यक्ति डर जाएगा और दिल ठहर जाएगा। और आपको टायर की स्थिति भी मैं दिखाना चाहूँगा कि टायर की स्थिति क्या हो गई थी। टायर पिछली डिग्गी में रख दिया गया है, टायर चेंज कर लिया गया है। तो आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि टायर की स्थिति दिखाएं। देखिएगा ये टायर है और इस टायर की क्या स्थिति हो चुकी है आप खुद साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि टायर की स्थिति क्या हो चुकी है और किस प्रकार से टायर फटा होगा और क्या स्थिति वहाँ पर रही होगी जिस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होकर के डिवाइडर से जा टकराई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि गनीमत ये थी कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ है, बस गाड़ी की ही स्थिति ख़त्म हो चुकी है। और आप स्थिति देख सकते हैं। गाड़ी का नंबर है CH1CV0374, यानी कि चंडीगढ़ की गाड़ी है और ये हल्द्वानी से चंडीगढ़ जा रहे थे। इसी बीच जहां ये एक्सीडेंट हुआ है वो जगह है कुंडा, यानी कि हल्द्वा टोल प्लाजा से लगभग 5-10 किलोमीटर पहले बता रहे हैं कांसीपुर साइड, तो इसी हाईवे पर हुआ है। और कल 4 बजे के आसपास ये घटना घटी है जो ये स्थिति हुई है। और गाड़ी की स्थिति देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी और ड्राइवर पर क्या बीती होगी कि ये सब ऐसा घटा, क्योंकि गाड़ी की हालत ऐसी हो चुकी है कि आप देख करके दहल जाएंगे कि गाड़ी की स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। और फ्रंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गाड़ी का, आप साफ साफ देख सकते हैं इस साइड भी उस साइड भी, और जिस वजह से गाड़ी का दरवाज़ा ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये गाड़ी की फ्रंट साइड दरवाजे में लग रही है। और अब इस गाड़ी को मरम्मत के लिए रुद्रपुर सिटी ले जाया जा रहा है। बाकी स्टेपनी भी हमने चेक कर ली है, दिखा दिए आपको तस्वीरों की क्या स्थिति रही है और टायर क्या स्थिति रही है और एयरबैग भी। और सामने आप देख सकते हैं कि फ्रंट जो गिलास है इसकी स्थिति क्या रही है, ये पहले ही बताया जा रहा है कि टूटा हुआ था, ये बाद में टूटा है। अंकित भाई, मतलब ये शीशा किस प्रकार से टूटा है और कैसे कैसे? ये तो डिवाइडर में लगने के कारण इसको चोट आ गई, और इसके ऊपर तो जैसे पत्थर लगा था गाड़ी के टायर के नीचे आके उसके शीशे के ऊपर पत्थर लगा थे। तो अभी ये पहले नहीं, ये तो बहुत पुराना है। ये पुराना है, वो नया है? वो नया है। देख सकते हैं आप, यानी कि शीशे पर भी कहीं ना कहीं आघात हुआ है, यानी शीशे पर भी देखो टूट चुका है, क्योंकि जब फ्रंट डिवाइडर से टकराया तो तुरंत शीशे पर भी असर हुआ और शीशा चटक चुका है। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकी गाड़ी की स्थिति देख करके आप अंदाज़ा लगाइए, कमेंट करके बताइए कि गाड़ी की स्थिति क्या रही है। तो कम से कम, और आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी चलाओ तो सेफ्टी से चलाओ, 60 या 65 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे आराम से चलाओ, क्योंकि जल्दबाजी करना अपने लिए भी और सेहत के लिए भी दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है।
जी अंकित भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जल्दबाजी करना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता था कि ये गाड़ी जैसे डिसबैलेंस हुई और किसी अदर गाड़ी में जाकर टकराती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को भी चोट नहीं आई और डिवाइडर से टकराने के बाद सिर्फ गाड़ी ही डैमेज हुई है और किसी भी इंसानी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। आप देख रहे थे संसार क्रांति, मैं महेश कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ टोल प्लाजा जगतपुर पट्टी कांसीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से।